नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सरकार पर दबाव में बोर्ड व निगमों में पदों की तैनाती के आरोपों पर प्रदेश भाजपा ने हमलावर रुख अपना लिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने शाब्दिक हमला करते हुए मुकेश अग्निहोत्री पर ब्लैकमेलिंग कर अपने पिता को एग्रो पैकेजिंग का उपाध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को बिना संख्या बल के ही नेता विपक्ष का पद दिए जाने को भी भाजपा की उदारता बताया। रामकुमार ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उद्योग मंत्री रहते खरौली विधानसभा क्षेत्र में मुकेश अग्निहोत्री द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जयराम सरकार द्वारा अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार किए जाने का दावा किया। उन्होंने अपने इस तर्क के पक्ष में सरकार के अपने अभी तक के कार्यकाल में नशा माफिया के पकड़े जाने के आंकड़े भी पेश किए। राम कुमार ने चर्चित सुमित मौत मामले में मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से श्री मुकेश अग्निहोत्री जो बड़ी कड़ी मेहनत करके भाजपा नेताओं से बार बार मिल करके नेता विपक्ष बने हैं, हालांकि संवैधानिक तौर पर वो इसके पात्र नहीं थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सरकार ने इतनी बड़ी उदारता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उनको विपक्ष का नेता मनोनीत किया था। कुछ बयान लगातार आ रहे हैं, जैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। लगभग 15 साल से मुकेश अग्निहोत्री जी, 16 साल चल रहा है, विधायक हैं, 2 बार सरकार में रह चुके हैं, लेकिन 15-16 साल में जो कानून व्यवस्था का हाल उनके कांग्रेस के शासनकाल में ऊना समेत पूरे प्रदेश में हुआ है वो सब उससे भलीभांति परिचित हैं। 2003 में सीपीएस बने, विधायक बनने के बाद तो इनके अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली में नंगल कला गांव, जिसको टालीवाल बोलते हैं, उमेद शर्मा एक नौजवान जिसकी जघन्य हत्या होती है, उसके माता पिता परिवार के लोग लगातार इनके पास जाते हैं कि हमारे साथ न्याय करो, जो दोषी है उनको पकड़ो, लेकिन उस समय की सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री सीपीएस थे, दोषियों को पकड़ने की बजाय उस उमेद शर्मा के हत्या को, केस को एक आत्महत्या में बदलकर कानून व्यवस्था का एक शानदार उदाहरण मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया था। ज्यादा पिछली इतिहास की बात ना भी करूं, पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, हरोली विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे कांड हुए, हत्याकांड हुए, जिनका आज तक भी पता नहीं चला। कोटखाई में गुड़िया कांड हुआ, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के मीडिया का कि अगर प्रदेश का मीडिया, शिमला का मीडिया उस गुड़िया कांड को ना उठाता, शायद वो दोषी कानून की गिरफ्त में ना आते। मुकेश अग्निहोत्री या प्रदेश के उद्योग मंत्री थे, सिंगदा गांव में भी एक गुड़िया कांड हुआ था। गांव की एक लड़की जिसका पहले अपहरण हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी बॉडी को जला दिया। 3 दिन बाद उस सिंगा की, हरोली की गुड़िया की लाश जंगल से मिलती है। जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए। लोग लगातार जब सरकार पर दबाव बना रहे थे, गांव के लोग इकट्ठा हुए, हमारी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, टालीवाल में प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन जो मांग कर रहे थे न्याय की, दोषियों को पकड़वाने की, उन लोगों के खिलाफ आज भी केस चल रहे हैं, लेकिन जो दोषी थे उनको पकड़ा नहीं गया। ऐसे ही कुछ लोग पकड़ लिए और बाद में वो सारे छूट गए, क्योंकि वास्तव में जो उसके अपराधी थे, हत्यारे थे, उनको पकड़ा नहीं गया। तो आज तक पता नहीं किसने उसको मारा, किसने नहीं मारा। तो चाहे वो उमेद शर्मा का केस हो, चाहे सिंगा की गुड़िया का केस हो, तो मुकेश अग्निहोत्री जी के अपने टाइम में हुआ है। इसी प्रकार से पोलिया गांव में 2 मर्डर एक ही गांव में कांग्रेस के शासनकाल में, जो पिछला शासनकाल था, एक वहां के बाबा को मारा गया,
और एक पोड़िया गांव के एक सतपाल शर्मा जो बकरियां रखने का काम करते थे, 40 बकरियां उनके एक वहां बाड़े में थी तो रात को वहां सोए थे, उनकी बकरियों को भी चुरा लिया गया और सतपाल शर्मा का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आज तक पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा नहीं जिन्होंने उसको मारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो सतपाल शर्मा का केस हो या नंगल कला के उमेद शर्मा का केस हो या सिंगा की गुड़िया का केस हो। मुकेश अग्निहोत्री ये प्रदेश को बताए, ऊना की जनता को बताओ, हरोली की जनता को बताए कि अपराधी कौन थे, किसने बचाया और क्यों बचाया, कौन थे उमेश शर्मा के केस में उत्तरदायी लोग, बातड़ी के वो कौन लोग थे, पोड़िया के सतपाल शर्मा को मरवाने वाले लोग कौन थे, या उस बाबा को किसने मरवाया। फिर बाबा के केस में जब थोड़ी आगे प्रगति होती है तो जो मेन विटनेस था उसका भी एक आत्महत्या का केस शो हो जाता है। तो 5 सालों में लगातार अपराधियों को बचाया गया और जो भी हत्यारे थे उनको कानून की ग्रिप से दूर रखा गया। हमारे अपने शासनकाल में अभी अगर घटनाएं घटती हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी हत्याएं बंद हो जाएंगी, बंद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समाज में अपराध होते हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। अपराध होने के बाद जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बता रहा था कि 5 महीने पहले हमारे अपने हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने कार्रवाई की, हमने कहा कि जो भी आपको लगता है, जो भी उसके लिए उत्तरदायी हो, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पकड़ो। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस को जो लगा कि लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं तो उनको पकड़ा, कार्रवाई हो रही है, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, तो उनको बचाने का काम नहीं किया मुकेश अग्निहोत्री ने, तो उसने हमेशा अपराधियों को बचाने का काम किया। 2012 के आसपास कलूही में 10 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है तो मुकेश अग्निहोत्री को सीबीआई की जांच क्यों नहीं याद आई। सुमित शर्मा के साथ जो हुआ है वो बहुत ही एक हम भी उस परिवार के साथ है, परिवार के साथ बड़ा एक हादसा हुआ है, दुख की घड़ी है, लेकिन जो अपराधी है उनको पकड़ना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस प्रयास कर रही है, आईजी स्तर के अधिकारी उस केस में लगे हुए हैं, कोई भी जो दोषी होगा अपराधी होगा बख्शा भी जाएगा। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री आज सीबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में है कि अगर लगता है कि जांच ठीक नहीं हो तो उसकी मांग करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो 10 साल की बिटिया बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता है, उसका हत्याकांड होता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप सीबीआई की मांग नहीं करते, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में एक इतना बड़ा गुड़िया कांड होता है और आप अपराधियों को ही बचाते हैं, मीडिया में खबर ना जाए उसको दबाने का काम भी आप करते हैं, आप तो दोहरा अपराध करते हैं, आपको कानून व्यवस्था की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 साल जिस प्रकार से माफिया का राज रहा, किस प्रकार से नशा माफिया ने अनेक नौजवानों की जान हमारे क्षेत्र में ली, आपने तो हमेशा उनको संरक्षण दिया है, लेकिन 9 महीने के अंदर अंदर उसी माफिया को दबाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। लड़े थे तब तक तो आपने देखा कि जो या उस समय के विधायक बेजोशी है उनको कैसे नीचा लगाया जाए, जिस प्रकार की गुटबंदी चल रही थी, जिस प्रकार से उस समय के कांग्रेस के विधायकों के साथ आप अत्याचार कर रहे थे, किस प्रकार उनके साथ चाहे वो परवाणु में आपने किया, चाहे वो ओपी रतन जी थे, चाहे बेजोशी जी थे, और उस समय आपने क्या किया कि एक लॉबिंग करके ब्लैकमेलिंग करके जो आपकी नेचर रही है, आपकी तो एक टैक्टिक्स रहता है, अपने पिताजी को एग्रो पैकेजिंग का वाइस चेयरमैन बनवाया, तो किस कैपेसिटी में बनवाया था जी, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी एग्रो पैकेजिंग में, कौन से एग्रीकल्चर में उन्होंने काम किया था, किस हॉर्टिकल्चर में काम किया था, और पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार में कितने अध्यक्षों के बोर्ड बने, चेयरमैन बने कारपोरेशन के, तो आपको तब चिंता क्यों नहीं हुई। सरकार और ठीक से चले, विभागों का और ठीक से संचालन हो तो उसके लिए सरकार को ये उचित लगेगा, ये सरकार काम करेगी, लेकिन जो भी करेगी संवैधानिक तरीके से करेगी, कानून की दृष्टि से करेगी।